पास को छोड़ो और सफलता पाओ, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, मुंबई, नागपुर, पुणे, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है, जहाँ हम लोगों को रिश्तेदारों के साथ में रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। आपको यदि बड़ा बनने का है तो आपको पास को छोड़ना पड़ेगा। पास को जब आप छोड़ेंगे तो ही कुछ तो भी बड़ा संभव है करने के लिए, क्योंकि पास में हम क्या करते हैं, अतीत में हम क्या करते हैं, वही 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 चीज़ें रिपीट करते जाएंगे। हमको उसकी आदत पड़ी रहती है, तो जब आदत है कुछ भी करने की, मतलब एक आधी बार हम वही 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 करते रहते हैं तो उसमें एक बार आदत हो जाती है, फिर हम उसमें घुल मिल जाते हैं और वही वही करते हैं, कंफर्ट जोन में हो जाते हैं, नया कुछ करने का कारण नहीं। जब हमको वो छोड़ेंगे पास को और कुछ नया करेंगे तो वो अनसर्टन एरिया में हम जा रहे हैं, मालूम ही नहीं क्या होगा। तो यदि ग्रोथ करना है तो हो सकता है कि आपको 10 आपकी ब्रांचेस करनी पड़ेंगी, आपका एक बिजनेस, आपको 10 बिजनेसेस खड़े करने पड़ेंगे। आपका जब एक बिजनेस था, एक दुकान था, तो आप हर एक कस्टमर को अटेंड करते थे, उसको पूछते थे, उसको स्पेशल सर्विस देते थे। अभी आपकी होगी 10 दुकानें। अब आप 10 दुकान में जाना तो मुश्किल है एक साथ में, एक समय पे। तो कोई कस्टमर आता है तो आपको वहाँ कस्टमर को सर्व करने के लिए आदमी रखने पड़ेंगे, और जो आपके इतने एफिशिएंट है, आपसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कस्टमर आता है, दो चार लोग उसको मिलने के लिए जाते हैं या उसको पूछते हैं, आइए बैठिए साहब, और उसको सब कुछ करने के बाद में, अच्छी सेवा देने के बाद में भी उसको चाहिए आप, क्योंकि कस्टमर को आपकी आदत हो चुकी है पास्ट में, बोलते मालिक कहाँ है। अब आप तो 10 जगह रह सकते नहीं हो, लोगों को आदत आपकी है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ कस्टमर जो है, कुछ क्लाइंट जो है, वो आपको छोड़ के निकल जाएंगे क्योंकि आप वहाँ नहीं है। तो आपको यदि बड़ा कुछ करना है फ्यूचर में, तो ये जो लिमिटेड पास्ट है, जो पास्ट ने आपको लिमिट करके रखा हुआ है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ क्लाइंट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स आपको छोड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा, मगर आपको कुछ बड़ा करने का है तो आपको ये थोड़ा नुकसान, थोड़े क्लाइंट्स छोड़ने पड़ेंगे तो वो करना पड़ेगा, उसी से चारा नहीं। लोग आपको नया कुछ करने देंगे नहीं, लोग बोलेंगे देखो आपने तो कितना नुकसान हो गया, आप यहाँ मौजूद होना चाहिए था, देखो लोग चले गए। मगर चले गए तो चले गए, हरकत नहीं है, क्योंकि आपको 10 यदि ब्रांचेस खोलने की है, आप 10 जगह एक साथ रह सकते नहीं हैं, लोगों को आपके बिना अच्छे से अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए। तो हमको ये देखना है कि भाई हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यदि करना है हमको, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यदि हम चाहते हैं, तो हमको टीम खड़ी करनी पड़ेगी, लोग खड़े करने पड़ेंगे जो आपके इतने अच्छे हैं, लीडर्स खड़े होंगे जो आपके इतने अच्छे हैं, आपसे भी बेहतरीन अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को सेवा दे रहे, तभी वो संभव है कि आप बड़े 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 तरीके से, नए नए तरीके से आप कुछ नयापन ला के काम कर सकते हो और आपका धंधा बड़ा कर सकते हो। तो मेरा इतना ही कहना है यहाँ अभी कि आपको बड़ा बनना है तो आपको लिमिटेड पास छोड़ना पड़ेगा, और आप जब लिमिटेड पास, लिमिटेड अतीत छोड़ते हो, आपका अटैचमेंट छोड़ते हो, नहीं मैं हूँ लोगों को जो ऐसा अच्छा सा अच्छी सर्विस दे सकता हूँ, मैं हूँ करके लोग आते हैं, मेरे लिए लोग आते हैं, मैं चले जाऊँगा तो कैसा होगा, लोग निकल जाएंगे, नुकसान होगा, भाई होगा, जरूर होगा नुकसान, मगर वो कुछ समय के लिए होगा। आप धंधे के अंदर रह के धंधा बड़ा नहीं कर सकते, आपको धंधा बड़ा करना है तो आपको धंधे के बाहर आना पड़ेगा, और धंधे के बाहर जब आएंगे तब आप धंधे का ग्रोथ कर सकते हो। धंधे में अंदर रह के, एक वर्कर बन के, एक वहाँ काम करने वाला रह के, आपका धंधा कभी भी बन नहीं बढ़ सकता। तो आपको धंधा बड़ा करना है तो करना क्या है, पहले काम बंद करो, काम बंद करो, और आपका जो समय है वो नयापन लाने में, मैं नया क्या कर सकता हूँ, नया ग्रोथ में कहाँ कर सकता हूँ, नई कौन सी रिस्क ले सकता हूँ, नई टीम कैसी खड़ी कर सकता हूँ, वो मुझे देखना पड़ेगा। और वो मैं देखता हूँ तो डेफिनेटली एक नया एम्पायर आपका बिल्ड सकता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। नहीं तो क्या है कि ये साल 1 करोड़ का धंधा हो गया, अगले साल 1 करोड़ 10 लाख का धंधा हो गया, और उसके बाद में 1 करोड़ 20 लाख का धंधा हो गया। ऐसा ग्रोथ यदि चाहिए तो ठीक है, जो आप कर रहे हो वो सही है, मगर ये साल 1 करोड़ का धंधा है, अगले साल 3 करोड़ धंधा है, वो यदि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो टीम बिल्डिंग के सिवाय आपको पर्याय नहीं, लीडरशिप के सिवाय आपको पर्याय नहीं। आपको खुद को ऐसी जगह जाके आपको बिठना बैठना पड़ेगा कि जहाँ से आप सिर्फ दूर से
धंधा देख रहे हो, क्या चल रहा हो देख रहे हो, नई नई रिस्क ले रहे हो, नया नया इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, आपका धंधा बढ़ा रहे हो। सो ये आपको करना है तो बहुत ही अच्छा है। आप ये वीडियो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वो जो बेल आइकॉन आता है ना उसके ऊपर भी क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। काफ़ी सारे लोग हमको संपर्क करते रहते हैं, ऑनलाइन हमारी काउंसलिंग लेते हैं और अपने अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर